वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने बीएनपी मेंगल को काबीना का हिस्सा बनने पर रजामंद कर लिया। बीएनपी मेंगल के दो अरकान काबीना के हिस्सा होंगे आगा हसन बलोच को वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीएनपी के हाशिम को वजीर ममलिकत बराए तवानाई बनाया जाएगा। हुकूमत ने तारिक फातमी से मावन खसूसी बराए खारजा अमूर का ओहदा वापस ले लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तारिक फातमी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खारजा अमूर का कलमदान वापस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ तारिक फातमी की बतौर मावन खसूसी तैनाती की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई आज लाहौर में पावर शो करेगी। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसा से खिताब करेंगे। पिंडाल में 50,000 कुर्सियाँ लगाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ के उम्र पर जाने की इजाज़त और पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली। दरख्वास्त गुजार की जमानत जिस बेंच ने ली वही इस पर समाअत करे। दो रुकनी बेंच ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए मुतलका बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस हुकूमत से बहुत सबक सीखे हैं। 3.5 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। इत्तेहादी सारा वक्त ब्लैकमेल करते थे। बजट पास कराना या कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाता था। कानून साजी ना होने की वजह से हुकूमत चलाना मुश्किल हो गया था। बेहतर तर्ज हुकूमत और कानून साजी के लिए अक्सरियत होना भी बहुत ज़रूरी है। NRO 2 मिल गया तो ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,100 मेगावाट हो गया है, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में बिजली की मजमुई पैदावार 14,400 मेगावाट जबकि मजमुई तलब 21,500 मेगावाट से जायद है और बिजली की इस कमी के बायस कई इलाकों में 10-10 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है।